सबसे पहले मौसम के हाल से करेंगे। मध्य प्रदेश में विपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के रास्ते विपरजॉय मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा और कल से इसका असर प्रदेश पर दिखाई दे सकता है। ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर में भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, हालांकि कई स्थानों पर हल्की बारिश जरूर हो रही है। लेकिन गुजरात में कहर मचा चुका विपरजॉय, अब मध्य प्रदेश में इसका असर दिखाई दे सकता है। राजस्थान ये पहुंच चुका है। निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, उमरिया में गर्म रात का येलो अलर्ट जारी किया गया, लेकिन विपरजॉय के प्रभाव के चलते प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। भोपाल, जबलपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, बालाघाट, सिवनी, रतलाम, ये वो जिले हैं जहां लू का येलो अलर्ट हालांकि आज जारी किया गया, लेकिन इसके अलावा प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। एमपी में दिख सकता है विपरजॉय का असर, राजस्थान के रास्ते एमपी में विपरजॉय प्रवेश करेगा, ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि हालांकि इसकी रफ्तार जरूर घटकर कम हो गई है, लेकिन इसका प्रभाव जरूर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। ग्वालियर, चंबल समेत सागर, इसके अलावा कई ऐसे जिले हैं जहां विपरजॉय प्रभाव के चलते बारिश हो सकती है। सीधे रुख करते हैं संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, विपरजॉय का प्रभाव मध्य प्रदेश में कल से दिखाई देगा? हाँ जया, बता दूं कि कल से विपरजॉय का प्रभाव मध्य प्रदेश में दिखाई देने लगेगा और राजस्थान में जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है, वहीं राजस्थान के रास्ते से अब इस तूफान का असर मध्य प्रदेश में दिखाई देगा। सबसे पहले निवाड़ी, मंदसौर, इधर इसका असर रहेगा, एक दिन लगभग उधर रहेगा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ेगा तो फिर चंबल, ग्वालियर, इस क्षेत्र में इसका ज़्यादा असर दिखाई देगा, जिसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया। अब यह देखना होगा कि मध्य प्रदेश में आते आते विपरजॉय तूफान है वो कितना कमजोर पड़ता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो संभावनाएं जताई है कि उसकी जो रफ्तार है हवाओं की, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, पर मध्य प्रदेश में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की आशंका जताई गई है। तो यह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में प्रवेश करते करते विपरजॉय का असर कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। इसीलिए पहले से ही मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी है, जो मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में असर जहाँ अधिक देखने को मिलेगा वहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जया जी, शुक्रिया आपका दीपक फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। तो गुजरात में कहर बरपा चुका है विपरजॉय, मध्य प्रदेश हालांकि राजस्थान में एंट्री ले चुका है और अब राजस्थान के रास्ते ही मध्य प्रदेश भी पहुंचेगा, ऐसे में यहां पर भी विपरजॉय का असर दिखाई दे सकता है। सागर, जबलपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग, यहां पर भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।